नहीं कर रहा ज्यादा सुनाई दे रहा है लाइट नेक्स्ट नहीं नहीं बोला उन्होंने एक बार बाइट थैंक यू बिल्कुल फर्स्ट सीजन लॉकडाउन में शुरू किया गया था और लगा नहीं था कि इस लेवल पर पहुंचेगा, पर जब हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें बड़े बड़े नाम पता लगे, मलाइका जी आई थी गोवा इवेंट में, और जब हम गोवा पहुँचे और वहाँ मैंने कंटेस्टेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, यहाँ कुछ और थी वहाँ कुछ और थी, तो पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने उनकी ग्रूमिंग की, जिन्होंने उन्हें वहाँ पहुँचाया, और ऑफकोर्स उनकी खुद की मेहनत, तो बहुत बहुत अच्छा था। और जब सेकंड सीज़न का कौन आया, मुझे लगा अभी तो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न, तो उन्होंने कहा नहीं सब कुछ डिले हो गया था, तो अब हम सेकंड सीज़न को पूरे एंथुसियाज्म से फिर से लेकर आए हैं। तो और आज ही दो बड़े नाम हमें सुनने को मिल गए जो ईशा जी हैं हमारे साथ, आज अनशिल्पा शेट्टी विल बी जॉइनिंग द फिनाले, सो सुपर सुपर एक्साइटेड। एक लेवल अप ही पहुँच गया है सीज़न टू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब की बात तो मुझे कंटेस्टेंट्स को भी मतलब बहुत एक्साइटमेंट है उन्हें भी देखने का, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया है तो उनका भी लेवल बढ़ने वाला है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैम यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रही हैं, क्या बताना चाहेंगे, कितना हार्डवर्क होता है या फिर किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? थैंक यू सो मच। यू नो आपसे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया मुझे मेरा सब कुछ, सो थैंक यू। जब मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ लिया था, मुझे पता था कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, और एक्चुअली मेरे पहले दो महीने बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि एंकरिंग जॉब भी डेली था और भाग्य लक्ष्मी भी डेली था, बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब आई थिंक मैंने दो महीने सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे रोज़ काम किया है, क्योंकि मैं वो पहले करती थी और फिर अपने सेट पर जाती थी और वो ख़त्म करती थी, सो इट वॉज हेक्टिक, ना मुझे नींद मिली ना मुझे ठीक से कुछ मिला, बट इट वॉज सो एक्साइटिंग यू नो, स्पेशली वो लॉकडाउन के पीरियड के बाद आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो व्हेन यू हैव वर्क इन बोथ हैंड्स कितना अच्छा लगता है, और आप दो एकदम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों के लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, आपको प्यार भी मिल रहा है, तो आई थिंक वो अप्रिसिएशन और प्यार ही आपकी मोटिवेशन बनता है और आपको आगे पुश करता है, तो मैंने अपने आप को आगे पुश किया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से भाग्य लक्ष्मी को भी बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है, क्या कुछ उसमें आपको समझ आ रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे आप? वेल आपने तो प्रोमो देख ही लिया होगा, यहाँ पे तो मतलब टोटल कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पर ऋषि लक्ष्मी और मलिष्का का ट्रायंगल कम्प्लीटली बना हुआ है और बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं, बट जो भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर शो अच्छा कर रहा है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सब एक टीम एफर्ट है, किसी एक को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, टीम बहुत अच्छी है, हर एक बंदा शो पर उतनी ही मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, तो पूरा टीम एफर्ट है, और आई एम ग्लैड कि सबको मज़ा आ रहा है, ग्लैड कि शो इतना अच्छा कर रहा है और इतने कम टाइम में उसने अपने लिए पहचान बना ली है, सो हैप्पी। या पहचान मेरी, आपने भी पहचान बना लिया है, आपने भी अपनी पहचान बना ली है, जानना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे पहले क्या कुछ फोकस करना चाहिए? आई थिंक एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, और आप अपने आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको उन पर काम करें, आपकी वीकनेसेस पर भी काम करें, और आप ओरिजिनल रहें, बी योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंशिमा हाँ कोई पोज वोज दे दीजिए मस्त। थैंक यू, थैंक यू। अरे हाथ पीछे करो, चलो 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 यहाँ पे सर, एक मिनट प्रीतम जी, ये कॉम्पिटिशन सुनना चाहूँगी आप दोनों को, और जानना चाहूँगी कि सीजन 2 की एक्साइटमेंट कितनी है आपको?
चलो भले ही आपको कितनी सक्सेस क्यों ना मिली हो, लेकिन हर बार वो नया फीलिंग तो आता ही है ना, बिकॉज सीजन टू है एंड दिस टाइम इंटरनेशनल है. फिर there are a lot of things coming up actually, because we are going for some social awareness things also. We are getting associated with the NGOs also for some work, and yeah, so excitement hai. सीजन वन के साथ मैं एसोसिएटेड नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसे पैजेंट्स हैं, बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और सीज़न वन पे ख़त्म हो जाते हैं. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि सीज़न वन से नेक्स्ट स्केल भी सीज़न टू पे चला गया है. एंड लाइक श्वेता जस्ट सेड, दे आर एसोसिएटिंग विद NGOs एंड मेनी मोर सच कॉजेज एंड इनिशिएटिव्स दैट दे आर एसोसिएटिंग विद. तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं मेरे बेस्ट विशेज देना चाहूँगी कि ये सीज़न 100 तक जाए, बहुत ऊँचा है, बिकॉज हमारे खास करके इंडिया में ऐसे बहुत औरतें हैं जो अप्रेस्ड है, जिनको बहुत जैसे पहचान मेरी जो है इनकी टैग लाइन रेजोनेट्स विद मी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है मेरे देश में. आई डेंट हैव एनी सपोर्ट, नोबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री. एंड ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत औरतें हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनको मुकाम नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए, एक शुरुआत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो श्वेता ने थ्रू SR क्वींस उनको दे दिया है. एंड ऑफकोर्स आफ्टर दैट देर विल बी सम एम्प्लॉयमेंट प्लान्स, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर प्लान्स विच यू विल लेट यू ऑल नो. तो ये शुरुआत है एंड आई एम श्योर दैट इट्स फॉर हियर टू स्टे. अगर किसी को अपनी पहचान बनानी है तो पहले बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत उस इंसान को पहले समझना चाहिए कि वो इंसान कौन सी चीज़ के लिए काबिल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. यू कांट गेट इनटू समथिंग यू नो ब्लाइंडली. डू यू अग्री? मतलब जैसे कि आज बोला जाता है स्कूल्स में they are kind of changing the education system and they why are they changing it? Kyunki pehle din se hi jo bacche jis cheez mein kabil hai unko us direction mein push kiya ja raha hai. Similarly I think isme bhi women or any individual for that matter, man woman has to know his limitations, has to understand ki main kis cheez ke layak hu, kaun si cheez hai jis disha mein main ja sakti hu, ja sakta hu. And then of course you have to move and you have to progress towards it. What's constant and what's most important is your determination. You have to मतलब एक दिन पूरी मतलब सृष्टि और कायनात घुटने टेक के आपके सामने आई जाती है अगर आप में वो डिटर्मिनेशन हो, और वो होना बहुत ज़रूरी है. आपके पास कोई इंसेंटिव हो, नहीं हो, फिल्म हो, नहीं हो, काम हो, नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना अर्जुन ने कैसे वो पक्षी को, हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड, उनके सामने सिर्फ वो पक्षी की आँख थी. That is how you should be, and eventually I think God is very kind. मतलब जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, तो छप्पड़ फाड़ के आपको मिलना ही अगर आप मेहनत करोगे तो. आपने अपनी पहचान बनाई है, चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ आपके लिए रहा? देखिए चैलेंजेस तो हर वक्त, आज भी चैलेंजेस हैं और पहले दिन से चैलेंजेस थे और आगे भी होंगे. अगर चैलेंजेस नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा. इट हैज़ दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. रात है तो दिन है, या उतार चढ़ाव तो है ही. So I think what's very important is you got to be humble in your life. That's the most important thing. Or you have to be a people's person. You have to be good at heart. Basics. बहुत ही ये तो ज़रूरी ही चीज़ें हैं हर किसी को. एक बार तो मतलब आ ही जाता है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना अंदर वो रहना चाहिए. बिकॉज हम लोग तो चलो आप लोग को लेके आ जाते हैं, पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, बट आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. मैं आपके घर पे जा कर के लड़ करके आपको नहीं निकाल सकता. यू नो यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड. तो यू नो एक्चुअली वो जो शेल से आने की बात तभी आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है. जैसे इट्स सेड, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक. एग्जैक्टली. इट्स लाइक दैट. ईशा, पीपल लाइक गर्ल्स ऑब्वियसली डू हैव इनसिक्योरिटी अबाउट देयर हाइट, अबाउट देयर स्किन टोन और व्हाटएवर इट इज. सो द SR क्वीन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. दैट्स सुपर्ब, इजंट इट? व्हाट वाज रियली ग्रेट अबाउट दिस पेजेंट इज देयर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एज, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्किन टोन, हाइट, मे बी
You may appear anyway. I think what's most important here in this pageant is what's recognized is your capacity to achieve something, your confidence to do something, and how driven you are. And that's what matters in life, how driven you are. Shuruaat to koi bhi kar lega, lekin mukam tak pahunchna aasan nahi. So it's very, very important for you to be driven till you reach your डेस्टिनेशन हो या गोल. वैसे तो डेस्टिनेशन होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन अगर था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, चलो वो फिल्म मिल गई, उसके बाद डेस्टिनेशन और हो जाता, चले जाते बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टैग्नेट इन लाइफ, राइट? हमको आगे ही जाना है. सब कुछ अभी कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे? सो इट्स गुड दैट देर आर चैलेंजेस इन लाइफ. इट्स गुड दैट दीज चैलेंजेस हेल्प अस लर्न, मोटिवेट अस, वी बिकम स्ट्रॉन्गर. व्हाट एल्स? थैंक यू. मैम, सीजन वन को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, सीजन टू स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, सीजन वन इतना ह्यूज सक्सेस था, दैट इज़ वाई हम लोग सीजन टू तक पहुँचे हैं. बहुत एक्साइटमेंट है सीजन टू को लेके, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम से सीजन टू आ भी गया, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ ह्यूज सक्सेस कि हम सीजन टू के पे इतनी जल्दी पहुँच गए. सो या वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड सी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब. नए लोग होंगे, दे विल बी वेरी मच मोर क्या, सब इक्वली टैलेंटेड ही होते हैं, बट या रियली एक्साइटेड टू सी द न्यू कंटेस्टेंट्स. ओके, और क्या कुछ लेकर एक्साइटमेंट है सीजन टू को लेकर, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे सीजन टू में? सीजन टू में एक तो हमारे साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट नए जुड़ रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू गाइड ऑल द कंटेस्टेंट्स अबाउट देयर फिटनेस रेजीम, एवरी थिंग. देन जो हमारे मेकअप के हैं चिराग मेकओवर्स, दे आर गोइंग टू टीच them makeup as in, you know, उन्हें morning में क्या करना चाहिए, evening में क्या करना चाहिए. So they are going to learn makeup, imagine, they are going to learn about makeup, about fitness, about self grooming, you know, उनका पूरा personality development होने वाला है with the show. So these are things. Then there is one more thing that is added in this, that जो भी social myths होते हैं women को लेके, girls को लेके, that हमें लड़कों के सामने oh my god ये नहीं बोलना चाहिए, parents के सामने ये नहीं बोलना चाहिए, वो भी टूटने वाले हैं. आई थिंक देर इज़ अ राउंड रिलेटेड टू दैट, समथिंग रिलेटेड टू सोशल मिथ्स है कि यू नो उनका अवेयरनेस होगा, दैट वी शुड ग्रो फ्रॉम दैट एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट दोज मिथ्स एंड ऑल. व्हाट्स योर फिटनेस मंत्रा? Actually, I am not, you know, into fitness, but I'll tell you the mantra. You should eat home food. Eat home food. Don't eat bahar ka at all. I know, बहुत मन करता है कि ये खा ले, वो खा ले, but मैं personal experience से ये कह रही हूँ कि मैं दाल चावल खाने से पतली हुई. ओके, कुंडली भाग में आपका जो रोल है बहुत ही दर्शकों पे प्रभावित हुआ है, बहुत ही ऑडियंस इंट्रैक्ट कर पाती है जिस तरह से आप रोल निभाती है. सो उसको भी प्यार मिलता है, निगेटिव रोल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, वो कितना अच्छा फील होता है आपके लिए? थैंक यू. हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है कि ऑफकोर्स जो मेरे फैंस हैं दे आर ऑलवेज देयर इन माई सपोर्ट, वेदर आई एम डूइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर और आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड आई एम थैंकफुल टू देम. तो क्या होता है कि जो भी मुझे हेटरेड कमेंट्स आ रहे हैं सब कि यू नो सोनाक्षी तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, क्या कर, सो देन आई फील गुड कि ठीक है, यू नो इट्स नॉट समवन इज देयर, यू नो ऑल द देयर आर पीपल हु आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल्सो, यू नो इफ वी हैव पीपल हु आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वी हैव पीपल हु आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल्सो, एंड आई एम जस्ट डूइंग माई कैरेक्टर, यू नो वट एवर इज गिवन टू मी आई एम डूइंग इट टू द बेस्ट आई कैन विद ऑल माई ट्रूथ. So I'm just playing the character. So but I must be doing good that you know that they're hating me so much. Sach mein unka maine tang kar diya hai, isliye wo log bahut dukhi ho gaye hain. Kya main jana chahungi aur kya kuch reveal karna chahti hain aap kundli baat ko lekar aage ke episodes mein? अब तो खैर अब एज एवरी वन नोज एज अ लीप हैपनिंग नाउ एंड आई वोंट बी अ पार्ट पोस्ट लीप. सो यस, विद एवरी डोर क्लोजेज देयर इज अ न्यू डोर दैट ओपन्स.
So I'm looking for all the new opportunities that's going to come my way. Okay, so new opportunity mein agar baat ki jaye, new character kis tarah ke aur nibhana chahiye? I think I will I want to do something that's more natural, you know, something in web maybe, and something that is just ekdam similar to the kind of person I am, kyunki waisa abhi tak maine kuch bhi role nahi kiya hai. So yeah, something that is similar to me, yeah, fir, you know, something fantasy, you know, how Harry Potter or Hogwarts and aisa. Okay, are you following Bigg Boss 15? मैंने स्टार्टिंग में देखा था. आई वुड लाई, मैंने स्टार्टिंग, मुझे इस साल का इनफैक्ट बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था. बट मेरा ना तब से थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, जब से विधि और डोनल का एग्जिट हुआ, तब से समहाउ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें कम हो गया. बट राइट नाउ अभी फिर से कुछ, यू नो, विद द एंट्री ऑफ ऑल दोज न्यू पीपल, रश्मि एंड, हाँ, राखी के बाद रश्मि एंड देवो, उनसे फिर से इंटरेस्टिंग हो गया है. एंड ऑल द फाइट्स एंड एवरीथिंग द कमिंग अप अगेन, आई विल स्टार्ट वॉचिंग इट अगेन. सो तेज रन के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? वो कितना फेक या रियल, या फिर किस तरह का उनका गेम आपको पसंद आया? मैंने उनको नहीं इतना फॉलो किया, तेज रन को, बट डेफिनेटली उनके क्यूट मोमेंट्स, if they have feelings, then it's good, you know, it's good that they have it. I don't know if fake to nahi hai, but of course if kuch na kuch to feel hota hi hoga ek dusre ke liye, that's why they are, you know, there. Nobody can fake it for so long, so yeah, they look cute together. But what about the other contestants? So mujhe na actually Pratik acha lagta hai as a contestant, and but I think उसके कुछ तो वो भी हैं, because मैं इतना follow नहीं कर रही हूँ, तो I won't say that he's all the time right. I liked Shamita also. Is she still there? She's still there, no? Yeah. I think she fell sick and all. हाँ, तो I like Shamita and Pratik both are. Okay, top 3 में किसको देख लिया? ये top 5 में क्या कुछ नाम हो गया? Top 3 में I see Shamita, Pratik and फर्स्ट टॉप 5 कर देते हैं, तेज एंड करण एंड निशांत. एंड लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वेल, जो भी, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेडीज जो भी हैं, आपको लगता है इफ़ यू हैव इट एन यू डू टेक पार्ट इन एस आर क्वींस, गो टू देयर इंस्टाग्राम पेज और चेक आउट देयर वेबसाइट. गिव द ऑडिशंस इफ यू फील जरा बी, यू नो, दैट यू वॉन्ट टू डू इट, एंड यू, आई एम श्योर हर एक का मन करता होगा कभी ना कभी. So do take part in it, and all my best wishes with you. Thank you so much. इतना साला बिग बॉस के बाद में लोगों ने लिया, इतना भी ले रहे हैं. हाँ, चल चल चल, 1 2 3 स्टार्ट. सो जानना चाहूंगी, फर्स्ट सीजन से बहुत ही ज्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. पहला सीज़न जो है हमने गोवा में किया था, और उम्मीद भी नहीं थी कि पहला सीज़न जो है इस कदर जो है घर घर में जाकर के जो है एक अपना नाम बनाएगा. प्लेटफॉर्म जो है बहुत सिंपल है कि जो महिलाएं शादी कर चुकी हैं, जो अपने प्रोफेशन को छोड़ चुकी हैं, जो अपने घर गृहस्थी में उलझ चुकी हैं, जो शायद सताई हुई हैं, समाज की तरफ से उत्पीड़ित हैं, तो अंदर में एक जज्बा होता है, क्या मैं वैसी बन सकती थी क्या, क्या मैं वैसी चल सकती थी क्या, काश मैं वो करती, या काश ऐसा होता मेरे साथ कि यू नो एक मैजिक होता और मुझे, तो वो ये मैजिक है. ये है प्लेटफॉर्म जो श्वेता रॉय ने क्रिएट किया है उन तमाम लोगों के लिए जो एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है, ना इसमें कलर है, ना इसमें रूप की बात है, ना इसमें हाइट की बात है, ना इसमें जात की बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी पहचान की बात है. इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने 4 साड़ियाँ खरीदी पहनने के लिए. ईशा, आई नो ईशा, बिकॉज मैं उनके काम कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी है, अच्छी एक्ट्रेस है. भाई इस बार 4 चांद और लग रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी भी हैं, उनको तो जज का इतना ज़्यादा अनुभव है, तो वो एक, और डांसर भी अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी, मज़ा आएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अपार्ट फॉर दिस, फ्रॉम दिस में बिग बॉस को कतई कुछ खास फॉलो नहीं करना, और जितना भी फॉलो किया है और जहाँ भी थोड़ा बहुत आप ट्रेंड में पढ़ते हैं, ये पता चलेगा कि बिग बॉस की रेटिंग बहुत ख़राब चल रही है और इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा है.
ऑल द बेस्ट टू द टीम की वो थोड़ा ध्यान में अच्छा है आपने अपनी जगह बनाई है ऑडियंस के दिल में पहचान बनाई है और अब कहीं कोई कोई लगते हैं या कुछ बताना चाहेंगे कोई कोई लगते हैं मतलब कहीं आते नहीं जाते नहीं किस तरह से आगे आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात देखो ऐसा है कि दो साल तो सभी खोए खोए रहे हैं एक डेढ़ साल तो लग गया हमको वापस आने में अब वापस काम शुरू हुआ है लोग काम करना शुरू कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है लॉकडाउन के बाद में लोगों को काम नहीं था अब जाके काम मिल रहा है पॉडकास्ट का ज़माना शुरू हो चुका है डिजिटल पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अब तो क्या छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके छोटे छोटे शहरों में जो है लोग स्टार बन जाते हैं तो अच्छी बात है लेकिन होता क्या है कि यार काम वो करना है जिसमें लगे कि यार ये मैं करके एक प्लेटफॉर्म और ऊपर आया हूँ ज़िंदगी में ऐसे तो कई तरह के काम आते हैं लेकिन फिर मैं देखता हूँ सोचता हूँ होता यार या तो मैं घर रोटी रोजी रोटी चला लूँ अपनी या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जो लगे कि अरे यार क्या कमाल किया तो जब महीने में 5 ऑफर आते हैं तो उसमें से एक ही ऐसा होता है कि लगता है वाह यार ये था बाकी तो ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए आप तो किसी भी वीडियो से कमा लें पैसा आजकल घर बैठे बैठे तो अब वो दिक्कत नहीं रही दिक्कत ये है कि वो क्या काम करें जिससे कि एनहांस हो काम तो आपके माध्यम से बाकी एक्टर मेकर्स देखें प्रोड्यूसर्स देखें और हो क्या कहना आजकल वो ट्रेंड है ना कि यार ये बिकता नहीं है अब बिके कहाँ हमारे जैसे आर्टिस्ट कहाँ बिके इस ट्रेंड पे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे हाँ मैं बोलूँ बताओ ना यार आप जाते हैं आपको कहते हैं कि सर वी वॉन्ट यू प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि आप एक सेलिब फेस हैं लेकिन जब आप चैनल के पास जाते हैं या फिर वो एक जब वो मैथमेटिक्स लगाते हैं तो बोलते हैं सर आप बिकते नहीं हैं अब मुझे समझ नहीं आता बिकता कैसा है इंसान यहाँ पर वो जो सर आप बिकते नहीं हैं यू आर नॉट सेलेबल इतना काम करने का भी सेलेबल नहीं हूँ तो फिर जो जिनकी फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो एक स्टार के बेटे हैं तो क्या पहली फिल्म से ही सेलेबल थे जब तक प्लेटफॉर्म पर आकर आप मौका नहीं देंगे और ये विश्वास की बात है किसी प्रोड्यूसर को बोलना चाहिए नहीं यार आई कैन काउंट ऑन हिम मैं काम देता हूँ ना यार देखते हैं क्या होता है आपने काम दिया नहीं और आप उम्मीद करते हैं कि पिक्चर बिकेगी नहीं बिकेगी या लोग देखेंगे नहीं देखेंगे आप देख आप पहले ही पायदान पे ही नहीं खड़ा कर रहे हैं उसको तो फिर कंपटीशन तो दूर की बात है तो मेरे जैसे तमाम बहुत सारे एक्टर्स को तो यही प्रॉब्लम है और खासकर टीवी इंडस्ट्री में उन बेचारों को फिर टीवी ज़्यादा कर लेते तो कहते टीवी पे से वेब सीरीज़ में कैसे नहीं फिर वेब सीरीज़ में काम करते तो फिल्मों में कैसे नहीं वेब में अच्छा बिजी है तो ये जो क्राइटेरिया लोग बना देते हैं उसी पर जाते हैं किसी को नहीं शमीदा मैं नहीं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं 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 देखो क्या है कि शमीदा शेट्टी मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड सीजन में आई थी तो काफ़ी अच्छे तक अच्छे समय तक चली थी OTT पे तो आई है उसके पहले भी आई थी बिग बॉस में ये तीसरी बार आई है नहीं तो मेरे को एक्साइटमेंट होना चाहिए मैं देखूं मैं एक ही फेस को तीन बार एक शो में नहीं देख सकता ना अब राखी सावंत बार बार आती है मुझे लगा कि राखी सावंत कुछ कमाल करने वाली पागलपंती करने वाली तो दब गई है पति को ला करके वो तो राखी ही नहीं है तो आप किसको देखना चाहते हैं अगर ये सब लोग पसंद आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं लाओ ना खिलाड़ियों को लाओ ना अली कुली मिर्जा को लाओ इमाम सिद्दीकी को लाओ डॉली बिंद्रा को लाओ बिंदु दारा सिंह को लाओ लाओ संभावना सेठ को और मजा आए फिर देखने में शो वो होता है शो लाओ ना दीपशिका नागपाल को अच्छा अच्छा ही खराब अच्छे कपल है प्यार चल रहा है चलने दो अभी विशाल जो है मुझे इनिशियली विशाल बड़ा अच्छा लगा था मुझे लगा था यार ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग है बट पता नहीं क्या थॉट चलता है किस तरह कितने किस कंटेस्ट में कितना आगे तक ले जाते हैं चैनल वाले तो मैं बता नहीं सकता आई डोंट नो तो आप किसको देखना चाहते हो मैं किसी को देखना नहीं चाहता जो नाम लिए इनको बुलाओ मैं देखूँगा तो क्या दिक्कत क्या क्या नया कर रहे हैं झगड़े के अलावा वो झगड़ा क्या कर रहे हैं मेरे घर पे चलता झगड़ा मैं झगड़ा देखने थोड़ा बैठा हूँ मैं एंटरटेन होने बैठा हूँ मतलब एंटरटेनमेंट ऐसा होने बैठा हूँ कि अरे अंडा तो मैं खाऊंगा अंडा खाना है मुझे अंडा तो अंडा अंदर जाके दिखा मैं वो देखना चाहता हूँ यार मैं ये देखना नहीं चाहता कि नॉर्मल झगड़ा चाहता ओके ये तो कंटेस्टेंट की बात हो गई जानना चाहूँगी सलमान खान एज अ होस्ट उनके बारे में आपके क्या ख्याल है किस तरह से वो होस्ट करते हैं भाई वो जिस तरह से कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि वो हर लेवल पर बहुत ग्रो कर चुके हैं और अच्छा ही करते हैं यार और भी देखो सही सलमान खान जो है ना कंटेस्टेंट को जब आकर बोलते हैं ना क्योंकि मैं एज अ कंटेस्टेंट बता रहा हूँ भाई वो एक एंजल की तरह आते हैं और आपको बताते हैं कि बॉस तुम समझ लो शुरू में अपने और आप समझ लें उनके इशारे को तो समझ लें नहीं समझे तो फिर आपका बैंड बजना तय है जितने उन्हें सुना जेन्युइनली
वो लव बहुत लंबी रेस तक गई। मेरा ख्याल है प्रतीक ने कुछ उनकी चीज़ों को लिया पर्सनली और कहा कि हमको शायद वो अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है थोड़ा। प्रतीक प्रतीक है ना, प्रतीक है ना एक कंटेस्ट, हाँ है प्रतीक है, प्रतीक है तो प्रतीक अलग दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, बीच में खो गया था है ना, तो एक होना चाहिए वो ऐसा अलग सा कुछ, तो लगता है कि हाँ ये जर्नी में अलग जा, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो आप कब का जाने वाले हैं? मैं वो क्वालिटी रखता ही नहीं कि जो मैं कर पाऊँ, एक 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 ज़माने में वो ज़िंदगी जी ली मैंने, अब मैं दोबारा क्या, मैं क्या अचीव कर लूँगा वहाँ जाकर, कि ये क्या नया योगदान दे दूँगा है ना, तो इनको लॉज इनके नाम लिए हैं, मज़ा आया। तो वो भी जा चुके हैं और फिर से वो उनका ही नाम लिया है। कितनी बार जा चुके हैं? एक एक ही बार जा चुके हैं, दोबारा लाओ इनको फिर देखो मज़ा और तमाशा, लाओ तो सही। यहाँ शायद इमाम एक दो बार गया था अंदर, जब गया था तब लोग देखते थे ना कि अभी क्या करेगा, वो याद है वो दरवाजे के सामने बैठ करके उसे लॉक कर देता है, अंदर कहीं नहीं जाएगा, देखा वो सीन, तो मतलब तो मजा आएगा, अभी क्या करेगा ये आदमी, अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल आदमी को जाना चाहिए, ना कि वो जो प्रिडिक्टेबल हो। Yes. Thank you, Shweta. One more picture. One more picture, please. Look in front. And then we are all set. This yummy cake. At least looks yummy.